में सीएम आवास पर ईगास का ऐतिहासिक पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। बता दें कि दीपावली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाली ईगास पर्व के सुलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, इस दौरान ये पर्व नहीं मनाया जा सका और अब इस दौरान सीएम धामी ने ग्राउंड जीरो पर होने के कारण देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में ईगास पर्व के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। वहीं अब सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निमंत्रण पर श्रमिकों के परिजनों ने भी मुख्यमंत्री के साथ ईगास बंगाल पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान उत्तराखंड के सांस्कृतिक गीतों के साथ टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों के साथ थिरकते हुए नजर आए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कहें, बहुत खुश है यार। क्या वही बात होती थी, हम मोटिवेट करते थे कि घबराओ मत अंदर, वो हमें मोटिवेट करते थे आप मत घबराओ हम ठीक हैं अंदर से। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो हमारी विधानसभा से ही है, मुख्य लाइक विधायक है हमारी विधानसभा से और प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको तहे दिल से हम धन्यवाद कहना चाहेंगे और हम तो चाहेंगे कि इसके बाद अगले पंचवर्षीय में भी वो हमारे मुख्यमंत्री बने। भगवान के प्रति हमारा विश्वास भी रहता है और जब पहले दिन से लग रहा था कि आज सफलता मिलेगी कल मिलेगी, समय निश्चित रूप से लगा है, लेकिन सुखद पल ही है, सुखद पहलू ही है कि सब लोग स्वस्थ बाहर निकले और ये इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार की सुविधा वहाँ तक पहुँचे, उन मजदूरों तक पहुँचे इसका प्रयास हुआ है। जितने भी देश के अंदर टनल निर्माण के काम चल रहे हैं, सेफ्टी ऑडिट का निर्णय वहाँ से हो चुका है, आदेश हो गया है, लेकिन राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ चूंकि टनलों के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और विषम भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर टनलों के काम होने से बहुत सारा जो लंबा रास्ता होता है वो रास्ता आसान हो जाता है। ये टनल भी जो सिलक्यारा में बन रही थी, इसके बन जाने के बाद जो चिन्यालीसोड़ और इनके बीच का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत कम हो जाएगा और लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा दोनों के बीच में। तो ऐसे अन्य प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि चूंकि ये सभी NHIDCL इसको बना रही थी, अन्य भी जो काम कर रहे हैं राज्य के स्तर पर भी काम चल रहे हैं, जो हमारे स्तर पर नहीं है उन कामों की भी हम समीक्षा करेंगे, जिससे कि निकट भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं।